आज हम बात करेंगे सबसे इजी प्रोसेस में आप लोग कैसे डीवीसी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कंज्यूमर का। पहले क्या होता था, इसमें सेल्सोडार पे जाना है, जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, बहुत सारे प्रोसेस थे। अब दोस्तों एक इजी प्रोसेस आ गया है कंज्यूमर का डीवीसी डालने के लिए, इसी के बारे में मैं आज का वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल ऐप्स ओपन कर लेना है, इंडियन ऑयल बिजनेस मोबाइल ऐप्स। दोस्तों इंडियन ऑयल बिजनेस ऐप्स ओपन करने के बाद आप लोगों को डिलीवरी बॉय का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है। डालने के बाद सीधे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर एक थ्री डॉट वाला ऑप्शन है, वो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख ले हो पहले प्रोफाइल, उसके बाद कॉम्प्लीटेड टास्क, अपडेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप दोस्तों मोबाइल नंबर पे अपडेट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डाल दूंगा। उसी के बाद देखिए डीबीसी वाला एक ऑप्शन है, इस डीबीसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए बोला जाएगा, मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। आप कंज्यूमर का मोबाइल नंबर अगर पता है तो मोबाइल नंबर डालना है, नहीं तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, नीचे देखिए, सीधा नीचे देखिए सर्च बाय एलपीजी आईडी एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलपीजी आईडी डाल सकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर का मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर डालना है, आप किसी भी तरीके से ये प्रोसेस कर सकते हैं। आइए मैं एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद सर्च करते हैं। करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लोडिंग कंज्यूमर डाटा आ गया है। इसका ऑलरेडी डबल बटन कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे इक्विपमेंट डालने का जो ऑप्शन है ये शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों क्या करना है, दूसरा कोई कंज्यूमर नंबर डालते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा एक कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर का डिटेल्स आ जाएगा, नेम, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर का मोबाइल नंबर। और ऊपर देखिए आप लोगों को 14.2 kg सिलेंडर वाला ऑप्शन और 5 kg सिलेंडर वाला ऑप्शन भी आ गया है। आप कंज्यूमर जो लेना चाहेगा, 14.2 kg लेना चाहेगा तो 14.2 kg सिलेंडर सिलेक्ट करना है, और 5 kg लेना चाहेगा तो 5 kg सिलेक्ट करना है। दोस्तों 14.2 kg लेना चाहते हैं ये कंज्यूमर, तो 14.2 kg सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आप लोगों को सीधा ऑर्डर नाउ बटन पर क्लिक करना है। ऑर्डर नाउ बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी जेनरेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी जेनरेट हो गया है, ऑर्डर कॉन्फर्म्ड हो गया है और नीचे एक ऑर्डर आईडी जेनरेट हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर ऐप्स के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए एक पेमेंट पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहे कैश तो कैश, और कैश पेमेंट अगर लेना चाहते हैं तो कैश, और भारत क्यूआर से अगर लेना चाहते हैं तो भारत क्यूआर से पेमेंट कैसे लेना है, इसी के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, शायद आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कैश लेना है तो कैश पे सिलेक्ट करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये ऐप्स का प्रोसेस हो गया है, एप्स का प्रोसेस हो गया है, एप्स का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे एसडीएमएस में, चलिए देखते हैं एसडीएमएस में क्या करना है। दोस्तों एप्स का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एसडीएमएस में आना है। एसडीएमएस में आने के बाद यहाँ पे दो नंबर आईडी से आप लोगों को लॉगिन करना है एसडीएमएस। आप एक नंबर आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर से आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे ही आप लोगों को ये कंज्यूमर का डाटा मिलेगा। लेकिन दो नंबर आईडी से आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे आप लोगों को पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट की तरफ से। जैसे कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं कंज्यूमर अपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, एयरटेल आई वायरस के थ्रू, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे शो करते हैं, उसी के हिसाब से ये भी शो कर रहा है। देखिए आज 27 अगस्त, आज ही रिक्वेस्ट डाला था मैंने ऐप्स के थ्रू, तो ये कंज्यूमर वाला जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को देखिए सीधा लाइन आइटम पे चला आया है। पहले आप लोग यहाँ क्या करता करना पड़ता था, पहले यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके इक्विपमेंट ऐड करना पड़ता था। इक्विपमेंट ऐड करने के बाद रिप्राइस पे क्लिक करना पड़ता था। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो गया है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर का नाम, यहाँ पे पीआर का मंथ और ईयर डाल देना है दोस्तों। यहाँ पे पीआर का जो मंथ या जब आपने कनेक्शन दिया था तब का ईयर और मंथ यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, सीधा सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इनवॉइस कर लेना है। इनवॉइस करने के बाद बाकी का प्रोसेस आप लोग जानते हो। इनवॉइस करने के बाद आप लोग इनवॉइस को कंप्लीट करना है, यहाँ पे इनवॉइस को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपका डीवीसी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन पर जाके इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे जो चैनल है, इस चैनल में आप लोग मेरा वीडियो बहुत सारे देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए यहाँ पे जो सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का वीडियो देखने का परसेंटेज बहुत कम है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है लेकिन वीडियो देखते हो मेरे रेगुलरली, मेरे चैनल को वीडियो देखते हो वो सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।